आज हम बात करने वाले हैं टेल रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन हमने पढ़ा है, रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो ये रिकर्शन कहलाता है। उन्हीं में से एक है आपका टेल रिकर्शन। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, एग्जाम्स में बड़े शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेल रिकर्शन या व्हाट डू मीन बाय टेल रिकर्शन। मतलब रिकर्शन इन विच फंक्शन इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ अ फंक्शन। मतलब फंक्शन खुद को कॉल करेगा लेकिन एंड में। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन अननेसेसरी कंफ्यूज करती हैं, राइट? तो आई होप आपको सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा टेल रिकर्शन क्या होता है इसकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेट डेटा स्ट्रक्चर के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टेल रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन हमने पढ़ा है, रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो ये रिकर्शन कहलाता है। दो टाइप से हमने रिकर्शन पढ़े हैं, डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन, राइट? लेकिन इसके अलावा रिकर्शन के और भी मल्टीपल टाइप है, उन्हीं में से एक है आपका टेल रिकर्शन। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, एग्जाम्स में बड़े शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेल रिकर्शन या व्हाट डू मीन बाय टेल रिकर्शन। तो बड़ा छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते हैं इसको। टेल रिकर्शन मतलब क्या कि जहां पर फंक्शन खुद को कॉल तो करेगा, ठीक है, टेल रिकर्शन मतलब हर रिकर्शन में ही फंक्शन खुद को कॉल करेगा खैर, लेकिन टेल रिकर्शन मतलब रिकर्शन इन विच फंक्शन इज कॉल्ड एट द एंड ऑफ अ फंक्शन। मतलब फंक्शन खुद को कॉल करेगा लेकिन एंड में, राइट? तो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल जहां पर हम टेल रिकर्शन को समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में है कि यदि मान लो कोई फंक्शन है, देर इज अ फंक्शन कॉल एक्स वाई जेड, राइट? अगर ये एक्स वाई जेड फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है लेकिन एंड में, एट द एंड मतलब देर इज नो कोड आफ्टर दिस फंक्शन, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेल मतलब क्या होता है, एंड। टेल का मतलब ही होता है एंड। तो ऐसा कोड जहां पे, ऐसा रिकर्शन जहां पे फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है लेकिन एट द एंड, एंड में अपने आप को कॉल कर रहा है, कहीं मिडिल में नहीं किया। मतलब कहने का है कि इस स्टेटमेंट के बाद योर प्रोग्राम डोंट हैव एनी लाइन ऑफ कोड, आपके प्रोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं होगा, तो इस टाइप का जो रिकर्शन है इसको बोलते हैं टेल रिकर्शन। अब इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आप देखिए, देखते हैं कुछ एग्जांपल जहां पर हमें टेल रिकर्शन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, राइट? फैक्टोरियल का प्रोग्राम, रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे एक नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करना है, राइट? तो हमने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, देन आई विल कॉल दिस फंक्शन। मतलब फिर हमने मेन लिखा, void main, समझना ध्यान से, ओके, मतलब मुझे एक नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग टेल रिकर्शन। तो हमने एक नंबर यूजर से स्कैन कर लिया, एंटर अ नंबर, ठीक है, उस नंबर को हमने स्कैन किया एन में, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन। अब इस नंबर का मुझे रिवर्स फाइंड आउट करके सपोज एक्स में चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रिवर्स, और इस रिवर्स को हमने एन पास कर दिया, इस रिवर्स को हमने पास कर दिया एन, राइट? और इसके ठीक बाद हमने लिख दिया प्रिंट एफ रिवर्स इज, रिवर्स इज परसेंटेज डी कॉमा एक्स। दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेल रिकर्शन, समझना इसको, राइट? अब इस रिवर्स फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रिवर्स रिटर्न टाइप इसका इंट है, हालांकि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप भी इंट होता है, जो एन आपने दिया वो एन मैंने यहां पर रिसीव किया, हमने यहां पर एक स्टैटिक वेरिएबल लिया, स्टैटिक इंटीजर एस जिसकी इनिशियल वैल्यू रख दी जीरो, देन अपार्ट फ्रॉम दिस आर लिया और एन हमारे पास है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक कंडीशन चेक की कि यदि एन जीरो है, अगर एन की वैल्यू जीरो है तो हमने लिख दिया रिटर्न रिटर्न एस, ठीक है, लेकिन फंक्शन अभी यह कंटिन्यूशन में चल रहा है, राइट? फंक्शन आपने कॉल किया, आपने यह चेक किया अगर एन की वैल्यू जीरो है तो रिटर्न एस, एल्स R इक्वल टू एन मॉड 10, S इक्वल टू S इंटू 10 प्लस R, ठीक है, और N इक्वल्स टू N डिवाइड बाय 10, एंड देन अगेन आई कॉल दिस रिवर्स फंक्शन विद द वैल्यू ऑफ N। मतलब यहां पर आप देखें, मैंने दोबारा इसी फंक्शन में इसी फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है, सी दिस वन रिवर्स कॉल इटसेल्फ, ये रिवर्स ने रिवर्स को खुद को कॉल कर लिया, ध्यान से देखना इसको, ये देखो ये जो मैंने कॉल किया है रिवर्स ऑफ एन, तो ये हमने फंक्शन में फंक्शन को कॉल किया है लेकिन एट द एंड, सबसे लास्ट में हमने रिवर्स फंक्शन कॉल किया, और इस रिवर्स के बाद आगे आपके प्रोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, सी दिस वन, यदि मैंने एन की वैल्यू एंटर की है सपोज यहां पे 143,
ये 143 पास हुआ तो इस n की वैल्यू हो गई 143 जीरो है क्या? क्या इफ n इक्वल टू जीरो विच इज फॉल्स, प्रोग्राम else में आएगा, else में आके उसने ये कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, r इक्वल टू n मॉड 10, s इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r, तो r इक्वल टू n मॉड 10 मतलब r की वैल्यू 3 हो गई, s इक्वल टू s इंटू 10, s स्टैटिक वेरिएबल है, इनिशियली जीरो रहेगा, s इक्वल टू s इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस r मतलब 3 हो गया, समझना ध्यान से, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n बिकम 14 नाउ, फिर यह फंक्शन दोबारा रिवर्स को ही कॉल करेगा सी दिस वन, लेकिन अब की बार n की वैल्यू क्या आई 14, तो नेक्स्ट टाइम पे मुझे ये 4 कट होके मिलेगा, सेम कोड अगर आप रन करोगे तो आपको 14 में से जो वैल्यू कट होके मिलेगी वो 4 मिलेगी, 4 प्लस 3 4 इंटू 10 40 प्लस 3 43 हो जाएगा आपका s, थर्ड टाइम पे ये 1 को कट करेगा तो ये 431 हो जाएगा, और उसके बाद जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये s रिटर्न होके यहां x में आ जाएगा, सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर सिंपल रिवर्स ऑफ अ नंबर, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पर ये नहीं है कि आपने प्रोग्राम कौन सा बनाया है, कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि हमने रिकर्शन किस टाइप का यूज किया है, तो इस प्रोग्राम में आप देखो इस रिवर्स के बाद हमने कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, तो ऐसे प्रोग्राम जहां पर हम रिकर्शन तो अप्लाई कर रहे हैं बट दैट रिकर्शन कॉल अ फंक्शन एट द एंड एट द लास्ट इनसाइड अ फंक्शन, कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है लेकिन सबसे एंड में, तो यह कहलाता है टेल रिकर्शन का कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड टेल रिकर्शन, और ऐसे एम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, लेकिन यदि सिमिलर आप देखें तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ टेल रिकर्शन, आपको याद है फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन से आप पढ़ाया है मैंने आपको ये, अगर आप रिकर्शन वाले टॉपिक पे देखोगे तो वहां पर आपको फैक्टोरियल फंक्शन मिलेगा, तो आप देखो फैक्टोरियल को हमने कैसे कॉल किया था, सपोज ये आपका फैक्टोरियल है, मान लो ये मेरा फैक्टोरियल का फंक्शन है, राइट, यूजिंग रिकर्शन अगर हम फैक्टोरियल को कॉल करें तो हमने कुछ इस तरीके से कॉल किया था, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में हमने n की वैल्यू रिसीव की थी, ठीक है, यहां पर हमने फंक्शन में एक स्टैटिक वेरिएबल लिया था, स्टैटिक इंटीजर f, इनिशियल वैल्यू उसकी 1 थी, लूप हमने इफ कंडीशन लगाई थी कि अगर n 0 हो जाता है तो रिटर्न f, ठीक है, एल्स f इक्वल टू f इंटू n, n माइनस माइनस n, सी दिस वन, यहां हमने फिर से फैक्टोरियल को कॉल किया था विद द वैल्यू ऑफ n, एंड आफ्टर दिस मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है, तो ऐसे जितने भी प्रोग्राम या ऐसे जितने भी फंक्शन जहां पर आपका फंक्शन रिकर्शन तो यूज कर रहा है लेकिन रिकर्शन लास्ट में फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन आपको ट्री के प्रोग्राम अगर याद है तो वहां पर आपने देखा होगा हमने रिकर्शन कुछ इस तरीके से यूज किया था, अगर आपको याद हो इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर में, या वो टावर ऑफ हनोई का एक प्रोग्राम है जहां पर आप रिकर्शन को बीच में यूज करते हैं, मतलब हमने कुछ इस तरीके से लिखा था इन ऑर्डर एन माइनस वन समथिंग, और इसके बाद भी अगर आपने कोई कोड लिखा है, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपने कोई कोड लिखा है सो दैट इज नॉट टेल रिकर्शन, फिर ये टेल रिकर्शन नहीं होगा, टेल रिकर्शन मतलब हम उस रिकर्शन को बोलते हैं जहां पर फंक्शन एंड में खुद को कॉल कर रहा है, सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन अननेसेसरी कंफ्यूज करती हैं, राइट, तो आई होप आपको सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा टेल रिकर्शन क्या होता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिकर्शन और भी हैं, लीनियर रिकर्शन, नॉन लीनियर रिकर्शन, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और रिकर्शन के टाइप्स के साथ, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेल रिकर्शन, बाकी रिकर्शन पे हम डिस्कस करते हैं, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना बनता है, ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और रिकर्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।